नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नरसिंहपुर, टोटल लॉकडाउन अवधि के दौरान शादी विवाह की अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। SDM निम्नलिखित शर्तों के साथ शादी विवाह की अनुमति जारी कर सकेंगे। शादी विवाह में वरवधु सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी एवं वैवाहिक कार्यक्रम निजी निवास पर ही करना होंगे। मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। शादी विवाह में भाग लेने के लिए जिले के बाहर के व्यक्तियों को नरसिंहपुर जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सार्वजनिक बारात आदि निकालना, रिसेप्शन, सहभोज आदि पर भी प्रतिबंध होगा। COVID-19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा कहा कि किसानों के लिए भूसे के आवागमन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सर, अमूमन देखा जा रहा है कि शादी ब्याह का समय है और इस दौरान कोई अनुमतियां अभी तक के मिली नहीं है, क्या होगा सर इसके लिए? सर लॉकडाउन, हाँ, शादी ब्याह के लिए काफ़ी जगह से हमारे पास अनुमति के लिए आवेदन आ रहे थे। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शादी ब्याह की अनुमति देने के लिए हमने SDMs को अधिकृत कर दिया है। SDM अपने स्तर से उनके क्षेत्र में जो शादी विवाह होना उसके संबंध में परमिशन जारी कर सकेंगे। कुछ शर्तें हमने निर्धारित की हैं कि 10 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकेंगे, बारात आदि नहीं निकाल पाएंगे, रिसेप्शन नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है COVID-19 के जो संक्रमण है उससे बचाव को दृष्टिगत रखते हुए किए गए हैं। मेरा सभी जनता से आग्रह है कि यथासंभव सार्वजनिक समारोहों को टालने की कोशिश करें। यदि शादी विवाह करना बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना के संबंध में जितने भी निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों का पालन करके सुरक्षित रहें, ऐसी कोशिश जरूर करें। सर, ग्रीष्मकाल का समय आ गया, पशुओं के लिए आहार अभी मिल नहीं पा रहा है, सर पशु आहार केंद्र बंद है। पशुओं के आहार के संबंध में, भूसे के संबंध में, चारे के संबंध में भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं और पशु चारा, भूसा, इसके परिवहन के लिए, लोडिंग व्हीकल से परिवहन के लिए किसी भी तरीके अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान अपने ट्रैक्टर से, व्यापारी अपने लोडिंग व्हीकल से भूसा और चारा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कहीं किसी तरह की कोई अनुमति की आवश्यकता अब इसमें नहीं है। खबर समय जगत के लिए नरसिंहपुर से राजेश नेमा जुनी की रिपोर्ट।